हेलो जी, सत श्री अकाल जी। कैसे हो आप सब? तो आ गए हैं हम किचन में खाना बनाने के लिए। आज बन रहा है चिकन और मैंने ऑयल रख दिया। और यहाँ पे क्रिश हेलो। क्रिश फर्स्ट टाइम आटा गूंध रहा है। ये मुझे बोल रहा था आज की मुझे भी आटा गूंदना सिखाओ, कैसे गूंदते हैं। तो सिखाते हैं इसको भी कि आटा कैसे गूंदा जाता है। मैं सोचती हूँ कि बच्चों को सब काम आने चाहिए ताकि बच्चे कल को भूखे ना रह सकें। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो वो एटलीस्ट खाना तो घर का बना के खा सकें। इसलिए हर चीज़ बच्चों को आनी चाहिए, हर काम किचन का भी आना चाहिए, घर का आना चाहिए, स्टडी के साथ साथ हर काम सीखना चाहिए। तो चलो देखते हैं क्या करते हैं कृष आज। हैंड वॉश कर लिए? हाँ जी। ओके चलो, थोड़ा सा पानी डालना पहले और डालो थोड़ा सा। हाँ जी। अब मिक्स करो इसे एक हाथ से, एक हाथ से, दो हाथ से नहीं, एक हाथ से करो पहले। एक हाथ से प्रात को पकड़ते हैं। क्या लगता है कर पाएगा? अभी तो स्टार्ट किया। हाँ जी। थोड़ा पानी और डालो। डाल दे पूरा पानी बॉटल वाला। अब मिक्स कर इसको सारी को। हाँ तो खाना आसान है बेटा, काम करना उतना ही मुश्किल है। यू क्या, अच्छे से इकट्ठा कर सारा आटा। डोसा बना के साइड पे रख जो इकट्ठा हो रहा है। देखो जोर लगा के गूंद ले, इकट्ठा कर, जहां जहां पानी है वहां से इकट्ठा कर सारा आटा। कैसा लगा आटा गूंद के? मुश्किल। मुश्किल है? हाँ खाना आसान है? और क्या होता है ना, आसान। तो अभी मैं बना रही हूँ चिकन। क्रिश तो गया आटा गूंद के, वैसे उसको मुश्किल लगा थोड़ा सा आटा गूंदना, अभी फर्स्ट टाइम था ना इसलिए। ओके जी, आपको बना लेना सब्जी। सिलेंडर हो गया जी खत्म।
ਕਲੇਜੀ ਕਲੇਜੀ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਲੇਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੁੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਲੇਜੀ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੀਸ ਕਲੇਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਕਲੇਜੀ ਖਾਣਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਸ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਜੋ ਕਲੇਜੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼, ਬਾਕੀ ਬੇਟੀ ਔਰ ਹਸਬੈਂਡ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਲੇਜੀ, ਸਪਾਈਸੀ ਹੈ। ਚਿਕਨ ਆਪਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਟਾ ਗੁੰਦਿਆ ਗਿਆ, ਬਰਤਨ ਧੋਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿਚਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਸਟ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਔਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਲੀਜ਼ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ।